Hello everyone, welcome back to BS Study Channel and today we're doing our political theory new chapter, new subject. इसके अंदर हमने already कर लिए थे हमारे psychology जो एक हमारा अलग topic था and ये हमारी first classes है, so इससे हम begin करेंगे. ये हमारा discipline specific course का है जिसके अंदर हम कर रहे हैं introduction to political theories. अच्छा, what is political theory? हम इसके अंदर सबसे आएगा included हमारा political theory की political theory होती क्या है, आप किस society में रहते हो, कि आपकी society किससे affected है, right? उसके अलावा आप बताओगे कि इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट दैट इज डेमोक्रेसी क्या होता है. उसके अलावा आप बताओगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है. अब बहुत टाइम से मैं अभी की बात नहीं कर रही, 100 साल पहले की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरल लाइक बिल्कुल एरिस्टोटल प्लाटो पुराने बिल्कुल टाइम के, ठीक है, इजिप्शियंस इन सब के टाइम के, जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ये सारी चीजें हुआ करती थी. तो अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उनसे डिराइव कर पाए कि वो किस वे में अपनी सोसाइटी को वर्क करते थे, किस वे में वो अपनी चीजों को चलाते थे, लोग एक दूसरे की कैसे हेल्प करते थे, किस क्या उनका एक्सचेंज सिस्टम था. पैसे तो अभी आए, पहले तो गोल्ड एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था एंड देयर यूज्ड टू बी, हम पहले स्टोन्स को एक्सचेंज करते थे. हड़प्पा सिविलाइजेशन में है भी एक हमारा लापिस लजुली वाला इंसिडेंट, राइट, लापिस लजुली. ओके, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी. अब पॉलिटिकल थ्योरी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में हम देखते हैं कि कैसे होता था. अब एक बात बताओ, अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारी चीजें हैं और जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारा ग्रेट बाथ हुआ करता था, तो बहुत सारी चीजें थी. रोमन एम्पायर के अंदर हमारा पूरा एक पूरा फील्ड हुआ करता था, एक पूरा जगह होती थी, स्पेसिफाइड प्लेस होता था. तो वो किसके लिए होता था, कौन वहां पे बैठ के रूल करता था, कौन एलीट क्लास थी, कौन क्यों थे, मतलब वो एग्जिस्ट क्यों ही करते थे, हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है, ठीक है. तो हम इसके अंदर ये कंक्लूड करेंगे कि बेसिकली जो हमारी थ्योरीज थी, अब थ्योरीज देखो कैसे निकल कर आए, धीरे 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 टाइम का एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन के साथ ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, जिसके अंदर पहले हम लोग स्टोन एज में थे, देन इवेंचुअली हम लोगों ने घर बनाए, फिर हम स्टोन हाउसेस पे आ गए, आज हम इतने बड़े स्काई स्क्रेपर्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, राइट. तो इसके अंदर हम यही है, अब थ्योरीज दैट इज, अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे चाहिए, अब आपके गांव में आप बहुत पुराने टाइम के हो, आप अभी इधर के नहीं हो, अभी तो डेमोक्रेसी चलती है, अब तो सबको पता है कि आपने वोट दे दिया, आप ही चूज करोगे कि सामने वाला कौन है, कौन आपके ऊपर रूल करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा सबको कि क्या सही है और क्या गलत है. तो ह्यूमंस एक क्या एक डिग्निफाइड एक लॉ एंड ऑर्डर के वे में चल रहे हैं, बट लेकिन हम पहले के टाइम में अगर देखें तो पहले के टाइम में ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, लोगों ने ये तो बोला नहीं था कि मुझे इक्वालिटी चाहिए. तो पहले के टाइम पे कैसे होता था, तो पहले के टाइम पे बहुत सारे हमारे थिंकर्स थे, दैट इज हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे था रूजो, राइट, उन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज दी. उसके अलावा हमारा बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, माकियावेली, उसके अलावा जॉन लॉक की एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने क्या बताया कि सबके अपने अपने पॉलिटिकल वेज. कोई कहता था कि कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, कोई कहता था कि जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही अमीर रहे और गरीबों पे राज करें. कुछ लोग कहते थे कि टोटालिटेरियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल अथॉरिटेटिव होनी चाहिए थी, बिल्कुल एक लीडर होगा सुप्रीमसी रहेगी. लेकिन कुछ कहते थे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि लोगों का भी पार्ट होना चाहिए. अब आप एक बात बताओ, आप एक अकेली जगह पे खड़े होकर रूल करे जा रहे हो, आपके फील्ड में कोई भी नहीं है, तो आप किसके ऊपर रूल कर रहे हो, रूलिंग नो वन. तो मेंटली तो सारे के सारे क्या है, अपना ये सोचना है कि यार ये तो बड़ा बेकार रूलर है, हम तो इसकी नहीं सुनेंगे, अगर इससे कुछ बोला तो ये गला कटवा देगा. लेकिन नहीं, आज के टाइम पे हम लोग अब जो पहले से हमने ड्राइव किया दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है. अब पॉलिटिकल थ्योरी का आपको मतलब समझ आया, इट इज द वे ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, आइडियोलॉजीज. इसके अंदर वी टॉक अबाउट आइडियोलॉजीज, वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स, कि कौन क्या है, कौन किससे कैसे एसोसिएटेड है, और किसी ने अगर कोई बात बोली तो व्हाई इज ही सेइंग दैट बात, ठीक है. तो पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली हमारी आइडियोलॉजीज, थिंकर्स, आइडियोलॉजी बताएंगे. आइडियोलॉजी कैसी हो सकती है, बहुत टाइप की आइडियोलॉजी होती है, कुछ रेडिकल्स होते हैं, कुछ लिबरल्स होते हैं, कुछ आपके होते हैं जिनको कोई चेंज नहीं चाहिए, तो कंजर्वेटिव होते हैं, राइट, थिंकर्स जो बहुत सारे बताते हैं. कुछ कहते हैं कि डेमोक्रेसी इस हिसाब से चलनी चाहिए कि लोगों का बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है. एरिस्टोटल कुछ कहता है, प्लेटो कुछ कहता है, तो इसके अंदर अलग अलग थिंकर्स आएंगे, आइडियोलॉजीज आएंगी, और इसके अंदर ही हमें एक डिराइव करी है एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी, दैट इज डेमोक्रेसी, विच इज नाउ अ पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ देशों को छोड़ के सब ने अडॉप्ट कर लिया. तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? अच्छा, अब आज आप सुबह सो के उठे, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर आके आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपको बोले कि तुम इधर नहीं जाओगे, तुम ये जॉब नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें जॉब करोगे तो तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे,
अगर आपको उस जॉब पे 5,000 रुपए मिलने चाहिए तो आपको मिल रहे हैं वहां पे 200 रुपए। तो क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आपकी तरह काम कर रहे, तो आप उस काम पे जाओगे? डेफिनेटली नहीं जाओगे, राइट। तो हमने क्या करा, एक सबके लिए इक्वालिटी बना दी, एक इक्वल सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर हमने क्या करा, सबको उसके वे की तरह से डिग्निफाई कर दिया। दैट मीन्स अब अगर पहले हम इंडिया का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें, अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, तो इंडिया से पहले हमारे पास बहुत सारे मौर्यंस थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वो, उसके अलावा हमारे फिर इल्तुतमिश, ये दिल्ली सल्तनत वाले आ गए, फिर हमारे मुगल एम्पायर आ गया, फिर उसके बाद यूरोपियंस आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, देन पोर्चुगीज आ गए, धीरे धीरे करके सबने क्या करा, एक ही पूरा इंडिया इसके ऊपर कभी यहाँ से भी कैप्चर करा, 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 तो सबकी अलग अलग थ्योरीज थी। कुछ जाते थे अपने साथ मोनार्की कि मैं राजा हूँ, ठीक है, मोनार्की होती थी कि अब मैं एक राजा हूँ, मेरे एक सेनेट में लोग बैठे हैं एंड देन वो मेरे अकॉर्डिंग दे आर वर्किंग। लेकिन मोनार्की के अलावा अब जैसे बाहर के लोग आए, वो आए तो किस पर्पस से, ट्रेड पर्पस से थे, बट लेकिन इवेंचुअली क्या कर दिया उन्होंने, इंपीरियलिज्म लगा दिया, राइट। तो देन इंपीरियलिज्म, उसके अलावा अब यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब तो अपने आपको मोनार्क कहता ही नहीं था, वो तो अपने आपको पूरा इंडिया का कुछ वो कहता था कि मैं तो बादशाह हूं यहाँ का, ठीक है, तो दैट इज वो ऑटोक्रेटिक था, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक सिस्टम था उसका, ठीक है, ऑटोक्रेसी थी उसकी, राइट, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके हमने कैसे देखा, अब एक सोसाइटी, अब अगर हम रिसेंट टाइम्स की देखें, आज से 100 या 200 साल पहले पीछे की, तो आज से 100 या 200 साल पीछे हमें ये पता लगता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या रहा है, हमारा कास्ट सिस्टम रहा है। हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे आउट ऑफ इंडिया है वहां पर क्या होता है, जैसे यूएसए, यूएसए में अपार्थेड हुआ, अपार्थेड इज ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में रहे जो लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। लेकिन इंडिया के अंदर हम लोगों ने क्या करा, कास्ट सिस्टम को अपनाया। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे जैसे हिंदू पुराण्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं, बट लेकिन वो अपने वर्क के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है उन सबको। तो कास्ट सिस्टम इज बेसिकली वर्क डिवाइडेड। हमारे इसके अंदर 4 कास्ट होती हैं, टॉप, ठीक है, जो सबसे टॉप पे होती है दैट इज ब्राह्मण्स। उस ब्राह्मण्स जो होते हैं दे आर नोन एज द प्योर होते हैं बिल्कुल। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो बेसिकली चलता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे, राइट। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब प्योर हमने बता दिया ब्राह्मण्स को, व्हाई, बिकॉज वो हमेशा भगवान से एंगेज्ड हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, वो लोगों को पूजा में हेल्प करा रहे हैं। उसके अलावा हमने क्या बोल दिया, नेक्स्ट कौन है, क्षत्रियास। क्षत्रियास की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है, नॉट एस से, ओके, ये मैंने बहुत गलतियां करी है, तो दैट इज क्षत्रियास। अब क्षत्रियास जो है हमारे वो क्या करेंगे, रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, अब जो रूल कर रहा है। अब जैसे पहले के टाइम पे राजा होते थे तो राजा को कोई हवन कराना होता था या यज्ञ कराना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे, बिकॉज उनको उनके पास सारे नॉलेज थी, सारे सूत्रास थे। उसके अलावा नीचे आते हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड देन वैश्यास। वैश्यास कौन होते हैं, वैश्यास होते हैं हमारी मर्चेंट क्लास। तो हमारी उसके अलावा नेक्स्ट इज शूद्रास। अब शूद्रास को देखो, सारा काम तो इन तीनों ने कर लिया, ठीक है, ऊपर वाले ने भगवान से भक्ति कर ली, इसने हमारा रूल कर लिया, इसने सामान पेश किया, मर्चेंट बन गए, वेंडर्स बन गए। अब बचा कौन, क्लीनिंग वर्क। तो शूद्रास जो थे दे यूज टू डू द क्लीनिंग वर्क। अब अगर कोई क्लीनिंग कर रहा है किसी डर्टी जगह पे जाके, तो मेंटली हम लोगों के मन में हमेशा आता था, तो ये हमारे इसी वजह से एक आइडियोलॉजी बिल्डअप हो गई, दैट इज कि ये लोग क्या है, पॉल्यूशन है, और जो ब्राह्मण है दैट इज हमारे प्योर है, ब्राह्मण्स आर प्योर एंड शूद्रास आर पॉल्यूशन, राइट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने क्या करा, एक सिस्टम को देखा कि हमारे कैसे चल रहा है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, कैसे हम लोगों को बिल्कुल डिप्राइव कर रहे हैं, किसी को जैसे गांव में कुछ खाने के लिए पानी चाहिए तो एक नदी बहती है, तो एक नदी को शेयर कर रहा है, जैसे ये है, ये गांव है, इस साइड ब्राह्मण रहते हैं, इस साइड शूद्रास रहते हैं, तो ये जो नदी है अभी पानी तो दोनों पिएंगे ना, इट्स नॉट लाइक कि वो प्यासे रह लेंगे, राइट। तो इफ दे यूज टू गेट इन टू दिस प्लेस, तो वो उसको बोलते थे कि उन्होंने ये चीज को प्लीट कर दिया। तो बेसिकली क्या है, इक्वालिटी तो नहीं है, इक्वालिटी इज समथिंग जिसके अंदर आप क्या करते हो, सबको इक्वल देते हो। अगर ये नदी है तो अगर ये नदी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, सनलाइट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही,
तो हु आर वी टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? तो हम लोगों ने यही कंसेप्ट को धीरे धीरे अपनाया, बहुत सारे चेंजेस लाए, रिजर्वेशन आए, बहुत सारी चीजें लाए, उसी के बाद हमारा एग्जिस्टेंस में आया डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी हमारा एक बहुत बहुत एंड बहुत सॉलिड, मतलब एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का. अब डेमोक्रेसी की वजह से ही आज हमारी जो इंडिया है वो इतनी ज्यादा ऊपर जा चुकी है. जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं वो हमारे बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब जॉब्स कर रहे हैं. अब वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज समथिंग विच इज रूल्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल. अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों का ही रोल होता है. अगर मैं चार लोगों को खड़े कर लूँ और ये चार लोग बोले कि मैं आपके ऊपर रूल कर रहा हूँ, कल आप सुबह सो के उठो, आपके घर के बाहर दो बंदे खड़े हैं, वो बोलेंगे कि हाँ भाई आज तू ये करेगा, आज तू वो करेगा, आज तू यहाँ नहीं जाएगा, आज तू देन आप, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई हु आर यू, आप कौन होते हो जो मुझे बताओगे, राइट? तो सेम वे में हमने क्या करा है, डेमोक्रेसी को रखा है कि कोई चार लोग आके आपको नहीं बता सकते कि आपने क्या करना है. जो चार लोग हैं वो आप ही चूज करोगे बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? बाय द वोटिंग सिस्टम, बाय इलेक्शंस, बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, आप क्या करोगे, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करोगे और इन चार लोगों को अपने इलेक्ट करोगे, ताकि आपको पता रहे कि आप किसके ऊपर रूल हो रहे हो और कौन आपको मतलब किस वे में रूल कर रहा है, और मे बी जो चीजें वो रूल कर रहा है वो आपने एक्सेप्ट की थी या नहीं की, राइट? उसके अलावा अब ये क्या होता है डेमोक्रेसी, अब देखो हर किसी के पास इंडिविजुअल है. अब जैसे पहले मैंने बताया कि आपको ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ये चारों है. पहले के टाइम में तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था कि तुम इसको टच मत करो, यहाँ मत जाओ, टेम्पल्स में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट लेकिन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, सो मैनी अमेंडमेंट्स, चेंजेस, सो मैनी स्ट्रगल्स, बहुत सारी मार पिटाई हुई, लड़ाई हुई, आफ्टर मैनी सो मच ब्लड, तो क्या हुआ, हमने चेंजेस लाए और इस चेंजेस के अंदर हमने क्या करा, शुड बी पॉलिटिकली इक्वल फॉर ऑल सिटीजन्स. दैट मीन्स कि अब हमें क्या होना चाहिए कि जितनी भी ये सारी की सारी चीजें हैं ये हमारी इक्वल होनी चाहिए पॉलिटिकली, क्यों, सबके लिए, राइट? अब इससे क्या होगा, अगर आप एक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन कर दोगे, पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन कर दी, तो क्या होगा, सबके सबके पास इक्वल राइट्स होगा, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं. अब आपको तो नहीं पता ना कि आज आप किसके घर में, आप भी पैदा हुए हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने किसके घर में पैदा हुए हो, या फिर आपने अपनी मर्जी से हुए हो. यू डू नॉट चूज योर कलर, योर बर्थ प्लेस, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, यू डू नॉट चूज दैट, राइट? आप बाद में उसको चूज करो, चेंज करो, वो आपके ऊपर है. लेकिन जो आपका इसके अंदर दो चीजें और होती है, एस्क्राइब एंड एक्वायर्ड, ठीक है. अब जो एक्सक्राइब होते हैं, जो होती है, जो हमें मिली हुई होती है, जो आप हेरिडिटरी से लेते हो, एंड एक्वायर्ड होती है, जैसे आपके सोशल स्टेटस है, आप मान लो शूद्रज हो, यू बिलोंग टू अ सोशल ट्राइब, लेकिन आपने इतना हार्ड वर्क करा कि आज आप आईएएस ऑफिसर हो, तो आज आप उन सब ब्राह्मण से ऊपर हो, ठीक है. तो ये क्या हुआ, आपने सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल इक्वालिटी बना ली खुद की, ठीक है. तो दैट इज पॉलिटिकली इक्वल फॉर ऑल. तो इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, दैट इज सोवर्निटी, इक्वालिटी, वैल्यूज, फ्रेटर्निटी. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग टॉपिक होगा बिकॉज वो बहुत ही लेंदी है. इंडिया का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज वो बहुत सारी कंट्रीज से डिवाइड हुआ है, राइट? तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, दैट इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इक्वालिटी. अब पहले के टाइम को देख के हमने जैसे देखा कि कितनी मार पिटाई हुई, लोगों ने स्ट्रगल करा, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, तो अब हमने क्या करा, एक इक्वल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करा, राइट? एंड उसके अलावा वैल्यूज, वैल्यूज क्या एग्जिस्ट करते हैं, वैल्यूज मीन्स कि बेसिकली आप एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हो, आप सोसाइटी में हो, लेकिन आप सोसाइटी के अंदर क्या एक दूसरे इंसान को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, तो हमने क्या बना दिया, एक वे ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बना दिया, ठीक है. लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म हो गया. लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म करने से क्या हुआ, अब चाहे कोई कितना ही ऊंचा पोस्ट पे हो, चाहे कोई ऊंची कास्ट हो, कोई कुछ हो, किसी के पास बहुत सारा पैसा भी हो, तो वो अगर एक पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक वे में देखे तो वो आपको हर्ट नहीं कर सकता, अंटिल अनलेस आपने कुछ गलत ना करा हो तो, राइट? बट आजकल सब चल रहा है बिकॉज करप्शन चल रहा है इंडिया में, बट स्टिल इंडिया इज ट्राइंग टू कोप अप विद करेक्शन एंड करप्शन और उसको ठीक कर रही है, ठीक है. बट डेमोक्रेसी क्या वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजंस, सिटीजंस के बेसिस पे वर्क करता है. अब अगर लोगों ने बोल दिया, अब देखो
सारे के सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अब मान लो एक बीजेपी है, दैट इज हमारा रूलिंग पावर, तो रूलिंग पावर के पास हमेशा क्या होती है, एक ऑपोजिशन पावर होती है. दिस इज हमारा रूलिंग पावर एंड दिस इज हमारा ऑपोजिशन पावर. तो रूलिंग पावर हमेशा ऑपोजिशन के साथ क्यों होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज जो ऑपोजिशन है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को क्रिटिक करती रहती है कि तुमने ये ऐसे नहीं करा, ये तुमने गलत करा, ये है वो है, जिससे क्या रहता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी जो है वो काम करती रहेगी, और अगर नहीं करा तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में, राइट? इट इज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन, सो इट कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस. आपको कोई मतलब नहीं है, कोई कितना ही बड़ा कुछ हो, आप 2 मिनट में उसको रिमूव कर सकते हो. 2 मिनट तो नहीं, आई मीन लाइक एक प्रोसीजर होता है पूरा, एंड देन आप उसको रिमूव कर सकते हो बेसिकली, राइट? उसके अलावा अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है, दैट मीन्स कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आप इसकी भी बात सुनोगे, उसकी भी बात सुनोगे. अब जैसे अगर आपके घर में कोई फैमिली मैटर चल रहा है, अब एक घर को ले लो, अगर आपका घर होता है बिल्कुल तानाशाही, ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हिटलर टाइप, तो आपकी मम्मी क्या कहती, मैं रूल्स बना रही हूँ, मेरी मर्जी, यू डोंट गेट टू स्पीक, मैं जो बोलूंगी वही करना है, तुमने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है. लेकिन अगर आपकी डेमोक्रेटिक फैमिली है तो वो क्या होगी, सबसे पूछेगी किसको क्या चॉइसेस हैं, आज किसने क्या करना है, क्या किसको अच्छा नहीं लगता, घर में क्या चेंज करना है, तो वो क्या होगा, आप एक मिल बांट के डिसीजन लोगे, एक कंबाइंड डिसीजन होगा विच विल बी ग्रेट फॉर ऑल, एंड दैट इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, राइट? एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. अब जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वी हैव 3 पावर्स, 3 चीजों में डिवाइडेड होती है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब जो जुडिशरी होती है वो प्रोवाइड करती है सेट ऑफ रूल्स. अब अगर किसी ने कुछ गलत करा, अब जो हमारे एग्जीक्यूटर्स हैं, एग्जीक्यूटर दैट इज पुलिस वाले, हमारे टीचर्स, ये सारे के सारे क्या है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉज को जो बने हुए हैं, और जो पार्लियामेंट में है वो लॉज बना रहे हैं, राइट? तो उसने क्या करा, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर दिया. अगर किसी ने मान लो मर्डर कर दिया तो वो कौन बताएगा, कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमने अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एस्टैब्लिश करा, इंडियन पिनल कोड बनाया है, राइट? हमने बहुत सारी चीजें बनाई जिससे क्या हो, एक जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी बन सके सबके लिए, शुड बी पॉलिटिकली इक्वल फॉर ऑल सिटीजंस, राइट? अब जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसकी क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सबसे पहले आएगा इक्वालिटी फॉर ऑल. अब दलित को भी सेम मिलेगा, ब्राह्मण्स को भी, शूद्रास को भी, वैश्य को भी, कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंट नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, ठीक है? कानून की नजरों में सब उसके नीचे ही है, तो यही हमारा इसका लॉ है, ठीक है? तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक. उसके अलावा इक्वालिटी अमंग सिटीजंस. अब अगर आपने किसी को, अच्छा अब अगर कोई डॉक्टर है और कोई रिक्शे वाला है, और अगर आप बोलो कि इन दोनों के बीच में कैसे इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी है, जो रिक्शे वाला है उसको भी वोट करने का राइट है, जो पुलिस वाला है या फिर आपका डॉक्टर है उसको भी वोट करने का राइट है, उसके अलावा अपने पॉलिटिकल व्यूज वो भी प्रेजेंट कर सकता है, वो भी प्रेजेंट कर सकता है. और अगर जस्ट इन केस पुलिस जो हमारा वो है, दैट इज हमारा डॉक्टर या पुलिस या वट एवर हायर पोस्ट वी कैन से, तो वो है, तो उसने अगर उसको कुछ बुरा बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो इवन वो उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है एक केस. क्यों? क्योंकि क्या नहीं शो कर रहा, इक्वालिटी अमंग सिटीजंस. तो इट शोज दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल अंडर द लॉ, ठीक है? सारे के सारे लॉ के अंडर सब इक्वल है. डज नॉट मैटर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आपके चाचा को आना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड ऑल्सो द इसका सबसे टॉप का वो है, इसको 1, 2, 3 में कर लेना. तो जिसको सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सोवरेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल. सोवरेनिटी मतलब एक बंदे के पास, एक इंसान के पास खुद की पावर्स होती हैं. वो क्या करता है, खुद की एक सोवरेनिटी रख के घूमता है. उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि उसको दूसरा आके उसको एक बताएगा उसके ऊपर, राइट? एक उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा, कुछ करेगा, राइट? तो अ पर्सन हैज अ सोवरेन पावर, राइट? सो दैट इज इट हमारा डेमोक्रेसी. इसके अंदर इंट्रोडक्शन ही था. डेमोक्रेसी के अंदर हम और चीजें लाएंगे, दैट इज डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल सिस्टम, ये वो सारी चीजें. तो इसके लिए हम अलग वीडियो में करेंगे. इसके अंदर हमने आज पढ़ा सिर्फ डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थिंकर्स क्या होते हैं, वो कैसे अपनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले के टाइम पे कैसी थी, आज के टाइम पे कैसी एग्जिस्ट करती है, एंड इसके बाद हम जो बाकी चीजें विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.